Now see. अब बात करेंगे रेगुलेशन के बारे में ग्लाइकोसिस का जो रेगुलेशन है द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस देखिये टोटल तेरह टेन स्टेप्स प्रिपरेटरी फेज में फाइव स्टेप्स और पे ऑफ फेज में भी फाइव स्टेप्स थे आउट ऑफ दैम सेवन स्टेप्स वर इन रिवर्सिबल एंड थ्री स्टेप्स वर लेटमी करेक्ट सेवन स्टेप्स व रिवर्सिबल एंड थ्री स्टेप्स वर रिवर्सिबल तो तीन स्टेप जो इरिवर्सिबल थे वो क्या थे एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज ग्लूकोजिक्सफेट बनना यहां एंजाइम होता था हेक्सोकाइनेज ठीक है सेकंड स्टेप होता था जो इरिवर्सिबल था ठीक है वो था फर्स्ट फ्रक्टोकाइनेज वाला स्टेप यानी जो आपका फ्रक्टोज फ्रक्टोट है उसका जब फॉस्फाइशन होता था अगेन फ्रक्टोज फ्रक्टोजेट में तो यहां एंजाइम होता था यह भी इरिवर्सिबल स्टेप था और थर्ड स्टेप था पायरुवेट काइनेज लास्ट वन पायरुवेट काइनेज क्या करता था टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता था यहां एंजाइम था पायरुवेट काइनेज तो ये जो तीन एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड स्टेप्स पर रेगुलेशन होता है का। हम स्टेप्स बता सकते हैं कि कौन से स्टेप्स में रेगुलेशन होता है या पर्टिकुलरली एंजाइम बता सकते हैं ठीक है तो रेगुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं एंजाइम वाइज में बता देता हूं आपको फर्स्टली देखिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है इस तरह से शो करूंगा प्रमोटर और इस तरह से शो करेंगे इनिबिटर सी हेक्सोकाइनेज एंजाइम है इसका जो प्रमोटर है इसके कोई प्रमोटर नहीं होते कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो इनको प्रमोट करता है ठीक है लेकिन इसका इनिबिटर है इसका इनिबिटर है खुद ग्लूकोज सिक्सफेट अगर ऑलरेडी ग्लूकोज सिक्सफेट बहुत ज्यादा है तो हेक्सोकाइनेज का जो है एलोस्टेरिक रेगुलेशन होगा ग्लुकोज सिक्स फॉसफेट नहीं बनने देगा और ग्लुकोज सिक्सफेट को क्योंकि ऑलरेडी अमाउंट में है तो जब तक इसका ब्रेकडाउन ना हो

जब ए एम पी होंगे तो ज्यादा फ्रेक्टोजॉस बनेगा यानी ये एंजाइम एक्टिव होगा। एक सबस्ट्रेट होता है 2, ये भी प्रमोट करता है। अगर कोई सबस्ट्रेट साथ फ्रेक्टोट प्रेजेंट है प्लस उसके साथ फ्रेक्टोस टू सिक्सफेट प्रेजेंट है तो वो प्रमोट करेगा फॉस्टो के एक्शन को वो भी फ्रेक्टोज वन सिक्स बिस्वास्फेट बनाता रहेगा ठीक है और खुद फ्रेक्टोजिक्सफेट ये भी प्रमोटर है का क्योंकि ये तो है। अगर ये ज्यादा प्रेजेंट है तो जो है उसका ब्रेकडाउन होता रहेगा में क्योंकि ये स्टेप है। अगर इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर होता है एक तो एटीपी एटीपी ध्यान रखिएगा दोनों ही एंजाइम्स का इनहिबिटर है का भी. अगर एटीपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है सेल के अंदर तो ग्लाइकोलिस इनहिबिट होता है और पर्टिकुलरली दो स्टेप्स में इनिबिट होगा दो स्टेजेस पे फॉस्फोफ्रेक्टोकाइनेज इनिबिट होगा और पाइरुवेट काइनेज इनिबिट होगा अगर एटीपी ज्यादा है तो अगर आ, जो है अदर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है अदर एनर्जी सोर्स अवेलेबल है तो भी इनिबिट होंगे ये दोनों मान लीजिए सीट्रेट अवेलेबल है तो सीट्रेट फर्दर क्रेप साइकिल में चला जा सकता है एनर्जी ऑप्टेंड हो जाएगी तो ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाता है और ग्लाइकोलिसिस स्टॉप होगा किस स्टेप से पर्टिकुलरली फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज स्टेप से इस स्टेप से रेगुलेट होगा तो अगर सीट्रेट प्रेजेंट है तो वो भी इनहिबिट करता है किसको पीएफके को इसी तरह से पाइरुवेट काइनेज को एसिटाइल को ए इनहिबिट करता है ये दोनों अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स हैं अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स हैं एसीटाइल को एंड सीट्रेट तो अगर ये अवेलेबल है तो इनहिबिशन होगा वेल फॉस्ोफ्रेक्टोकाइनेट काइनेज का काइनेज के प्रोमोटर बता देता हूं ए एम पी और फ्रेक्टोज वन सिक्स बिस्ट

ठीक है ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज का कोई प्रमोटर नहीं है इनिबिटर एटीपी दोनों का है पीएफके का भी और पायरुवेट काइनेज का भी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स एसिटाइल को पायरवेट काइनेज को इनिबिट करता है सीट्रेट इनिबिट करता है फोर्टोफक्टो काइनीज को